हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट फोर चल रही थी। तो दोस्तों, यूनिट फोर में हम स्टडी कर रहे थे सेंस ऑर्गन। तो हम लास्ट में देख रहे थे कि जो सेंस ऑर्गन है डिफरेंट डिफरेंट, उनके डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ईयर सॉरी आई और टन के डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीज ऑफ ईयर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने को मिलेंगे। एचएपी कंप्लीट होने वाला है, ये यूनिट फोर चल रहा है हमारा। इसके बाद फिफ्थ यूनिट के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ ईयर्स, डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर, कुल हम 7 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ ईयर। तो ये जो डिसऑर्डर्स होंगे, मैंने जो ईयर का पार्ट होता है, अगर आपने पीछे लेक्चर देखा है थ्योरी पार्ट ईयर का, तो उसमें 3 टाइप्स से हमने डिराइव किया था ईयर को, कि ईयर के 3 पार्ट्स होंगे। ये हो जाएगा एक्सटर्नल, ये हो जाएगा मिडल और ये हो जाएगा इंटरनल। तो इनके अकॉर्डिंग हम डिजीज देखेंगे। तो जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें 3 डिजीज बेसिकली देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें ओटीआईसिस एक्सटर्ना। तो एक्सटर्ना से आपको पता चल गया कि ये एक्सटर्नल ईयर में कोज होगी। तो क्या होता है इसके अंदर? इट रेफर्स टू इंफ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसमें इन्फेक्शन कोज होता है इसके अंदर। तो किसके कारण कोज होता है ये? इन्फेक्शन बाय स्टेफाइलोकोकस ओरस, जो एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसके द्वारा बेसिकली ये डिजीज कोज होती है। और इसके अलावा वाटर इन ईयर केनाल, अगर आपके ईयर केनाल में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके द्वारा भी ये डिजीज कोज हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाएगा। सेकेंड है इम्पेक्टेड सर्कुमेन। तो इसमें क्या होगा? इट इज ए कंडीशन इन विच ईयर वैक्स, जो ईयर वैक्स आता है ईयर के अंदर वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इस कंडीशन में इन ईयर केनाल लीडिंग टू ब्लॉकेज एंड प्रेशर ऑन ईयर केनाल। तो ये क्या होता है कि इससे क्या होगा? एक तो जो एयर ईयर का हियरिंग वे है वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो ईयर केनाल है उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो आपका जो हियरिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो ये डिजीज होगी। इसका कोज कैसे होता है? यूज ऑफ हेयरिंग बर्ड्स, जो हेयरिंग एड्स हैं, ईयर प्लग्स यूज करते हैं, उनके कारण क्या होता है कि जो हेयरिंग एड्स जो मशीन आती हैं उनको लगाए रखते हैं रेगुलर, तो जो वैक्स होगा वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और धीरे धीरे वो एक जगह अपना एक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसमें जमा हो जाएगा। पुटिंग ऑब्जेक्टिंग ईयर एनाटोमिकल डिफेक्ट्स, अगर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ भी लेके बस लग जाते हैं वैक्स निकालने के लिए, तो उससे क्या होता है कि एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर होती है ईयर की उसमें डिफेक्ट डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी ये डिजीज कोज हो सकती है। आगे चलते हैं फर यूनोक्लोसिस। फर यूनोक्लोसिस में क्या होता है? इट इज इन्फेक्शनस डिसऑर्डर, इन्फेक्शन के द्वारा ही कोज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ बॉइल्स इन द हेयर फोलिकल्स। कोज कैसे होता है? पुअर हाइजीन, हाइजीन रखना है आपके कान को अच्छी तरीके से हाइजीन में रखना है। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है ईयर डिजीज में। वीक इम्यून सिस्टम, वीक अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो जरूरी नहीं है कि ईयर पे इसका इफेक्ट पड़ता है, सभी बॉडी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली ड्रग यूज की जाती है नेमोसिलाइड 100 mg बेजिन डाई, मतलब दिन में 2 बार यूज की जाती है इस डिजीज के लिए। हम आपको ड्रग यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, आप ये फिजिशियन की सलाह से ही यूज कीजिए। डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर के डिसऑर्डर हो गए। अब देख लेते हैं मिडल ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर कोज होते हैं। बेसिकली ओटीआईसिस मीडिया, ऊपर क्या था? ओटीआईसिस एक्सटर्नल,
मतलब डिजीज का नाम ही इस ईयर के पोजीशन के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या होता है, इट इज द इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ईयर। जो मिडल ईयर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इंफ्लामेशन कोज होता है, तो ये डिजीज कोज होती है। एस्ट्राचेन ट्यूब एंड मस्टोइड प्रोसेस। आगे है जो फिफ्थ डिजीज हमारी मिडल ईयर की आएगी, सीरियस ओटियाइसिस मीडिया। तो जो ओटियाइसिस मीडिया थ्री टाइप का हो गया, एक तो ओटियाइसिस मीडिया हो गया, एक सीरियस हो गया, एक क्रोनिक हो गया। तो सीरियस में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ग्लू ईयर, ग्लू लाइक ईयर हो जाते हैं। और सेकेटरी ओटियाइसिस मीडिया भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिक्रेशन होता है ईयर के अंदर, अगर आपको आपने देखा हो किसी पेशेंट को या फिर आपके आसपास किसी को हुआ हो कि ईयर से सिक्रेशन होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीरियस ओटियाइसिस मीडिया। इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूड विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर। मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद भी ईयर से जो फ्लूड है उसका मतलब वो रिमूवल होता है, सिक्रेशन होता है। मिडल ईयर इन्फ्यूजन इट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन में ये ज्यादा देखा जाता है। सिक्स है, ये भी मिडल ईयर का डिजीज, क्रोनिक ओटियाइसिस। अब जैसे जो सीरियस ओटियाइसिस मीडिया है, एक्यूट ओटियाइसिस मीडिया है, अगर उसकी प्रोग्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्रोनिक में अपना चेंज कर लेगा। इट इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर विथ टिश्यू डैमेज, यूजुअली कॉज्ड बाय रिपीटेटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटियाइसिस मीडिया। इस द्वारा कॉज होता है प्रेसिस्टेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटियाइसिस। अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा है तो ये कॉज जरूर होगा। तो आगे लास्ट देखते हैं इनर ईयर के डिसऑर्डर में, जैसे हेयरिंग लॉस, कंप्लीटली लॉस ऑफ हेयरिंग, कुछ सुनाई नहीं देता है, उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं हेयरिंग लॉस। यह बेसिकली जो इनर ईयर होता है, क्योंकि जो हमारा बेसिकली वर्किंग एरिया होगा वो इनर ईयर ही होता है। हेयरिंग लॉस आल्सो नोन एज हेयरिंग इंपायरमेंट इज पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हेयर। इट मैनी अकर इन वन और बोथ ईयर, दोनों ईयर में भी हो सकता है या फिर वन ईयर में भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों डिजीज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कुछ नेम्स पूछ सकता है डिजीज के, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इनकी थ्योरी देखने को मिलेगी, या तो ईयर या फिर आई के बारे में आपको पूछेगा। तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से हमने पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।